Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the business study chapter, and today's topic is levels of management. Okay, let's start the reading. As we have already learned that management does not refer to a single individual, but it refers to a group of persons. यानी जैसा कि मैंने बताया था कि जो management होता है उसमें केवल कोई एक single बंदा ही काम नहीं करता, बल्कि वो एक group of persons होता है. That means बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, ठीक है. सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़. यानी कह रहा है अगर एक बड़ी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉय ग्रुप में काम करते हैं, और क्या होता है, प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़. उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटी मैनेजरियल एक्टिविटी के लिए करने के लिए रखा जाता है. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibility. And इन सब कामों को करने के लिए हर एक employee को कुछ आवश्यक authority दी गई रहती है, और उसके साथ कुछ responsibility. Authority means power. यानी उनको कुछ power, और power के साथ responsibilities भी दी जाती है. This grant of authority results in creation of chain of authority. यानी जो power दिया जाता है उनको, इससे एक chain बनता है authority का, ठीक है, जिससे कि सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. दिस चेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेवल्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये जो चेन होता है वो थ्री लेवल्स में होते हैं. जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया है थ्री लेवल्स मैनेजमेंट के, और थ्री पार्ट में ये डिवाइड होते हैं. तो देख लो, यहाँ पे फर्स्ट है इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड है सुपरवाइजरी लेवल, या फिर ऑपरेशनल या लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप, मिडिल और लोअर, ये तीन तरह के मैनेजमेंट के लेवल्स हो गए. इतनी थ्री पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है. तो नीचे देखो एक डायग्राम के तहत शो किया है, पिरामिड की तरह डायग्राम है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. यानी जितने भी अधिकारी रैंक के पर्सन्स हैं वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है. इसके बाद आता है तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स. यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कोई एक डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट का हो गया तो परचेज डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है. तो ये सारे जो सिंगल मैनेजर होते हैं वो, सिंगल हेड मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. और थर्ड होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी सुपरवाइजरी में जो सुपरवाइजरी वाला काम करते हैं. तो सुपरवाइजर हो गए, सुपरिंटेंडेंट हो गए, फोरमैन हो गए, सेंक्शनल ऑफिसर हो गए, क्लर्क हो गए, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हो गए, ETC. यानी जो ऑर्डर देने वाला काम करता है, ऑर्डर दैट मीन्स जो लेबर वगैरह स्टाफ्स वगैरह काम कर रहे हैं उनको वो कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कैसे काम करना है उनको ये लोग डायरेक्शन देते हैं. तो सबसे पहले टॉप लेवल वाले आते हैं. टॉप लेवल जो भी कुछ करना होता है तो वो कम्युनिकेट करते हैं मिडिल लेवल वाले से, और मिडिल वाले थर्ड लेवल यानी लोअर लेवल से कम्युनिकेट करते हैं. तो ये एक चेन की तरह बना हुआ है. और जो लोअर लेवल वाले होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल वाले, ये लोग वर्कर्स से कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनको कैसे काम करना है. तो चलो देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या दिया है. दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी इसमें जो होते हैं सबसे मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन्स होते हैं, यानी जो भी VVIP पर्सन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे लोग टॉप लेवल में आते हैं. तो यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया. अभी जो डायग्राम में दिया था सेम वही चीज़ यहाँ भी लिखा है. टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ चेयरमैन कंसिस्ट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सभी जो मैंने अभी बताया ऊपर डायग्राम में वही चीज़ यहाँ पे दिया है, ठीक है. कौन कौन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, आगे देखो क्या कह रहा है. मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका फंक्शन क्या है. द फर्स्ट फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज. यानी जो भी इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है, यानी उसका उद्देश्य सेट करना, गोल सेट करना, मोटो सेट करना, ठीक है. द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. यानी ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो
पर्सन्स होते हैं वही लोग ऑर्गेनाइजेशन का मोटो सेट करते हैं या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का। ये फर्स्ट फीचर हो गया इसका, फंक्शन हो गया, फीचर कह रहे हैं सॉरी। सेकेंड फंक्शन इसका है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव टू द सेट ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल वाले ही जो भी मोटो सेट करते ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसके लिए फ्रेमिंग करते हैं, कैसे काम करना है, किस प्लान के तहत वर्क होगा ताकि वो गोल अचीव हो सके, ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ठीक है, तो ये टॉप लेवल मैनेजर ही फ्रेमिंग करते हैं इसका। थर्ड इसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट द मिडिल लेवल। टॉप लेवल वाले ही सेट करते हैं कि जो मिडिल लेवल में पर्सन्स हैं, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का, तो कौन परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर बनेगा, कौन सेल्स डिपार्टमेंट का बनेगा, कौन एग्जीक्यूटिव, यानी ये टॉप लेवल वाले ही फिक्स करते हैं, तय करते हैं किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ फंक्शन है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स एटीसी। द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी वन डे टू डे एक्टिविटीज। दे बाय फिक्स्ड एसेट्स टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वही ये सब कुछ असेंबल करते हैं, दैट मीन्स फाइनेंस वगैरह जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे जो भी हुआ मशीनरी हुआ या बिल्डिंग हुआ या पैसे हुए सैलरी देना हो, ये सब कुछ कौन करता है, टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट, वही लोग ये सब चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए या वेलफेयर के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल का। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान टू रन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। यानी टॉप लेवल ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए सर्वाइवल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर रहता है, वही लोग उसको स्मूथली और सक्सेसफुली चलाने के लिए अपना पूरा 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। आगे है फिफ्थ एफ नंबर फंक्शन लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ईटीसी। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेंस इन कॉन्टैक्ट विथ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटर्स सप्लायर्स मीडिया ईटीसी। जॉब्स ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो टॉप लेवल वाले होते हैं वही लोग सारा मीटिंग वगैरह सब कुछ वही हैंडल करते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन का बात हो या फिर आउटसाइड वाला कोई भी हो या फिर मीडिया हो या फिर कॉम्पिटिटर्स हो या सप्लायर्स हो, यानी कोई भी हो जो बाहर वाला हो उसके साथ इंटरेक्शन का बात हो या कम्युनिकेशन का बात हो, तो टॉप लेवल वाले ही करते हैं। ठीक है, इसलिए इस पोस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल बोला जाता है, ताकि इसमें काफ़ी स्ट्रेस वाला वर्क हो जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। यानी सबके बीच इंटीग्रेट करना, जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, सबको ले करके चलना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। एच नंबर फंक्शन है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। यानी फर्म का जो भी कंडीशन वगैरह है सर्वाइवल के लिए उसको एनालाइज करना, यानी अभी क्या कंडीशन है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ एनालिसिस टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखती है। और इसका लास्ट ये है फंक्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी।
और यही लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरप्राइजेस में, कुछ कोई भी काम हो तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी अगर सपोज कोई फैक्ट्री बैठा है और वहाँ से मतलब पॉल्यूशन फैल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होगा, ना कि प्रोडक्शन मैनेजर। कोई भी आएगा तो ब्लेम करने, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं ब्लेम करेगा, वो उसके CEO को ब्लेम करेगा, उसके जो भी टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन्हीं को ब्लेम करेगा, ठीक है, जो भी उसका टॉप लेवल वाला अधिकारी होगा वही ब्लेम होगा। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, तो इसलिए बोला जाता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका जो जॉब होता है वो कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, ये भी मैंने बताया ऊपर ही दिया था, ज़्यादा समय तक काम करना, जितना टेंशन हेडेक वाला काम है सब यही लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, तो वो लोग आप देखो। ओके।